विश्व एड्स दिवस पर पीजी महाविद्यालय द्वारा किए गए विभिन्न कार्यक्रम। कस्बे के श्री अग्रसेन कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना में रेड रिबन क्लब व एनएसएस के संयुक्त तत्वावधान में विश्व एड्स दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सीएचसी चिकित्सक डॉक्टर श्याम सुंदर गर्ग जी रहे। विशिष्ट अतिथि प्रबंध समिति अध्यक्ष नरेंद्र अग्रवाल तथा अध्यक्षता प्राचार्य डॉक्टर बरखा तोमर ने की। मंच का संचालन आरसी प्रभारी डॉक्टर भरत कुमार ने किया। इस अवसर पर निबंध पोस्टर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। निबंध में प्रथम स्थान पर नेहा गर्ग, द्वितीय पर भारती मित्तल, तृतीय पर शिवानी। इस प्रकार पोस्टर में लीशा सिंगल, प्रियांशी गोयल, रियांशी गुप्ता तथा भाषण में सोनाली मंगल, क्षमा पराशर, मनीषा कुमारी रही। इसके बाद मुख्य अतिथि ने छात्राओं को एड्स के बारे में संक्षेप में बताया कि एचआईवी एक अति सूक्ष्म रोग विषाणु है जिसकी वजह से एड्स हो सकता है। एड्स स्वयं में कोई रोग नहीं है बल्कि एक संलक्षण है। ये मनुष्य की अन्य रोगों से लड़ने की नैसर्गिक प्रतिरोधक क्षमता को घटा देता है। प्रतिरोधक क्षमता के क्रमशः 6 होने से कोई भी असरवादी संक्रमण यानी आम सर्दी जुकाम से लेकर फुसफुसा, टीबी, क्षय रोग, कर्क रोग जैसे रोग तक सहजता से हो जाते हैं और इनका इलाज करना कठिन हो जाता है और मरीज की मृत्यु भी हो सकती है। यही कारण है कि एड्स परीक्षण महत्वपूर्ण है। सिर्फ एड्स परीक्षण से ही निश्चित रूप से संक्रमण का पता लगाया जा सकता है। एड्स एक तरह का संक्रामक यानी कि एक से दूसरे को और दूसरे से तीसरे को होने वाली एक गंभीर बीमारी है। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है। ये एक तरह के विषाणु जिसका नाम एचआईवी यानी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है, इससे फैलती है। अगर किसी को एचआईवी है तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसको एड्स भी है। एचआईवी वायरस की वजह से एड्स होता है। अगर समय रहते वायरस का इलाज कर दिया गया तो एड्स होने का खतरा कम हो जाता है। इस अवसर पर एनएसएस प्रभारी डॉक्टर कुमार गौरव, डॉक्टर दिलीप गुप्ता, उदय सिंह, राजीव कुमार, मंजू, मीनू गर्ग, संध्या दिवाकर, अविनाश गुप्ता, विष्णु गोयल, सुभाष गोयल आदि लोग मौजूद रहे। आज अग्रसेन महिला महाविद्यालय बयाना में हमारे द्वारा विश्व एड्स दिवस के कार्यक्रम के परिप्रेक्ष्य में विविध प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। बच्चियों ने पोस्टर के माध्यम से अपनी अभिव्यक्तियों को प्रस्तुत किया। हमारे चिकित्सा विभाग से आए हुए डॉक्टर श्याम सुंदर गर्ग जी ने भी इसका मूल्यांकन किया। बहुत सारी जानकारियों को हमारे कॉलेज में, हमारे कैंपस में छात्राओं को और स्टाफ को वितरित किए। जैसे अभी नवीन जो हमारी नई जनरेशन है वो अभी भली भांति अवगत नहीं है कि उनको क्या करना चाहिए, कैसे वो सुरक्षित रहें, कैसे आगे अपने आप को और भी इस जागरूकता के साथ और इनका विस्तार कर सके, तो विभिन्न प्रकार की जानकारियों को भी गर्ग जी ने भली प्रकार से हमारे महाविद्यालय में सुविस्तारित किया है। इसके अलावा निबंध प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जिसमें छात्राओं ने भाग लिया है। पोस्टर प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ है और इसी कार्यक्रम के विश्व एड्स दिवस के परिप्रेक्ष्य में हमारे यहाँ अन्य भी एनएसएस की गतिविधियाँ, अन्य भी गतिविधियों का आयोजन होता रहे।